लोग हैं उनका अपमान उन्होंने किया। आप कहाँ मुख्यमंत्री बने हैं? आप भी तो इसी तरह से ढुलमुल नीति कर करके पलटू राम बनकर करके आज सत्ता में हैं। आप ही लोगों ने कहा कि जीतन मांझी रबर स्टैंप है, जीतन मांझी रिमोट से चलता है, तो फिर हम अपना काम शुरू किया तो उनका पेट में दर्द होने लगा। मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई हक नहीं, इसके लिए भी जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी हम। फिर दूसरी बात, हमारे ऐसे शेड्यूल कास्ट के नेता जो नीतीश कुमार से उम्र में भी बड़ा है, राजनीतिक जीवन भी उनसे लंबी है और कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन उन्होंने 68-69 में प्राप्त किया और जीतन मांझी 66 में डिग्री ऑनर्स के साथ आया है। कहने का मतलब कि कम से कम विधानसभा में चुने हुए छोटे बड़े कोई भी हो, सभी माननीय सदस्य हुआ करते हैं, उनके प्रति आदर सूचक शब्द निकालना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने तुम तलांग की बातें की और कहा कि जीतन मांझी को कौन कहता है कि मुख्यमंत्री है, ये बड़ा मुख्यमंत्री है। और आप लोगों को भी एड्रेस किया कि इनको बड़ी तरजीह आप दे रहे हैं, इनको तरजीह देना बंद कीजिए, ये मुख्यमंत्री नहीं, इसको कोई अकल नहीं है। तो इस तरह से अपमानित किया गया। हम समझते हैं कि वो जीतन मांझी का अपमान नहीं है, सभी बिहार और हिंदुस्तान के जो दलित लोग हैं उनका अपमान उन्होंने किया। एक राज्य का मुख्यमंत्री जो 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके मुखारविंद से ये सारी बातें जो आई वो निश्चित रूप में विचारणीय है। और जीतन मांझी क्या बोल रहा था, और लोग कहते हैं हमारे और भाजपा के बड़े नेता बोलेंगे कि जो आरक्षण संबंधी बिल लाया और कोटा बढ़ाने की बिल लाया एडमिशन में भी, हम लोग सब एक मत से उसको पारित किया, समर्थन दिया, तो फिर उसमें विरोध की कौन बातें आती है। सिर्फ हमने ये कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जब संविधान लागू करने की बात हुई और आरक्षण देने की बात हुई तो उन्होंने कहा था कि 10 वर्षों में समीक्षा होनी चाहिए। हुजूर, आप 18 वर्ष व्यतीत कर दिए, आपके छोटे बड़े भाई भी 15 वर्ष मुख्यमंत्री में रहे, आखिर क्यों नहीं इसका समीक्षा हुआ। और हम बताते हैं कि 16% कोटा हमको होना चाहिए था, अगर आज जांच किया जाएगा तो वो 7 या 8% से ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात, हमने बोला कि यहाँ के जो पदाधिकारी हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं उनके लिए 1971 में ही रोस्टर लागू है, और रोस्टर लागू होने के उपरांत 16% प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आज हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पदाधिकारियों की गिनती अगर की जाए तो 3.7% उनका प्रतिनिधित्व है। एक शताब्दी में पूरा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हमको ये बताइए और इसकी समीक्षा कीजिए, इसके लिए आयोग बनाइए और कोई कार्यक्रम अपनाइए। इतने ही कहने पर वो भड़क गए कि इसको कुछ आता है, इसको हमने मुख्यमंत्री बनाया। हम कहते हैं कि आपको भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, अब भाजपा को धोखा दे करके अब आप राजद में आए हैं, राजद ने मुख्यमंत्री बनाया, आप कहाँ मुख्यमंत्री बने हैं? आप भी तो इसी तरह से ढुलमुल नीति कर करके पलटू राम बनकर करके आज सत्ता में हैं। और जीतन मांझी को आप अपना स्वभाव से नहीं बनाया था, आप समझा था कि जीतन मांझी अनुसूचित जाति में भुइयां मुसहर का लोग है, अब भुइयां मुसहर लोग बड़ा सीधा होता है, हम इसको बना देंगे तो जो कहेंगे वो करेगा। क्योंकि 2014 में चुनाव जब हार गए तो सब जगह से थू-थू होने लगा कि आप इस्तीफा दो, तो इस्तीफा न दे करके एक ऐसे मुलायम आदमी को बनाने का कोशिश किया कि जो वो कहें वो करें, और 2 महीना तक सचमुच में हमने किया। बाद में आप ही लोगों ने कहा कि जीतन मांझी रबर स्टैंप है, जीतन मांझी रिमोट से चलता है, तो फिर हम अपना काम शुरू किया तो उनका पेट में दर्द होने लगा। बहुत सारी बातें किया है वो आपके सामने है, और आज बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों में
अपना माला पहना करके और हम लोग रिकॉन्साइल करना चाहते थे कि बाबा हम लोग क्या करें, नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दें, और आज ताला नहीं खोला गया, विधानसभा में भी बोलने का मौका